हम लोग स्ट्रीट फूड का फर्स्ट एपिसोड जो है वो आपके सामने पेश कर रहे हैं और गोलगप्पे की दुकान पे आए हैं। द व्हीकल फूड इसका नाम है और जानते हैं इसकी शुरुआत जिनसे की उनसे कि किस तरीके से द व्हीकल फूड की शुरुआत की गई है, कब से ये शुरू है और कैसे इसकी स्टार्टिंग हुई है। ऐसा है मैम कि इसको 2 साल कम्प्लीट हो गए पूरे और अभी फिलहाल में अपन एक्चुअली मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो इंजीनियरिंग फिर मैं पिताजी की डेथ हो गई तो मैंने छोड़ दिया। तो बोले कि दोस्त लोग अभी क्या करेंगे, बोले इधर उधर भटक रहा था मैं तो दोस्तों ने ही पूरा हेल्प करके मेरे को ये गाड़ी वगैरह पूरा सेटअप मेरे दोस्त ने कर दिया। मेरे 2 ही दोस्त है जिगरी तो सब उन्होंने ही करके दिया मेरे को, तो पैसे वगैरह भी सब उन्होंने ही दिया था। ये सब करके आज अपन ये वाले पोजिशन पर खड़े, ये नाम से लेके डेकोरेशन से लेके जो कुछ भी है ये सब मेरे दोस्तों ने किया है। कहीं ना कि यूजुअली लोग चाट वगैरह ऐसी चीज़ें अगर पानीपुरी की दुकान हो तो हम ये देखते हैं कि चाट वगैरह ऐसा नाम यूजुअली किसी भी गोलगप्पे की दुकान में होता है, बट द व्हीकल फूड आपने नाम रखा है, रीज़न ये है मैम कि कैसा है, अपन ने पहले तो ठेले से अपन शुरुआत करने वाले थे लेकिन दोस्त बोले थोड़ा कुछ यूनिक करते हैं। अपन कैसा सिविल लाइन में मेरा एक जेठालाल टी कैफे करके था, मेरी 40 वेराइटी चलती थी लेकिन नॉश कैफ़े है ना उसके अंडर में मेरा एक मैंने आउटलेट लिया था, तो वो कैसा है लॉकडाउन के वजह से मेरा कुछ बंद हो गया तो कुछ 50-60 हज़ार रुपये मेरे आंख पे रेंट बढ़ गया। मैंने वो रेंट वगैरह सब ये करके फिर बोले क्या करेंगे आप, पढ़ाई लिखाई तो सब छोड़ दिया था, अभी कुछ रीज़न नहीं था। तो फिर दोस्त बोले कि कुछ नया अपना खुद का कर, बोले मैंने 2-3 जगह आउटलेट डाला लेकिन लोगों ने कैसा पहला फर्स्ट टाइम रहता है तब लोगों ने भी मेरे को कुछ ठगाया, 1.5 लाख से मैं भी कुछ ये हो गया। लेकिन अभी फ़िलहाल में दोस्तों ने कुछ मदद करने के बाद मेरा अभी मैं सब पूरा सेटल हूँ। मेरे को भाई है एक मम्मी है, मैं हूँ, हम अभी खुश है, पहले से तो बेटर है अभी। हाँ तो क्या अभी आप मतलब व्हीकल फूड को बढ़ाने का सोच रहे हैं, मतलब शाखाएं वगैरह इसकी खोलने के बारे में सोच रहे हैं? कुछ सोच रहे हैं कि हर एक स्क्वायर पर अपना एक आउटलेट चले अभी, तो उसके लिए थोड़ा सा तामझाम तो बड़ा ही होना, सपोर्ट तो है नहीं फिलहाल मेरे को कुछ, लेकिन दोस्त बोल रहे हैं कि हम कुछ मदद करेंगे। अपन कुछ बाहर से बंदे लाने वाले हैं और अभी फिलहाल में अपना अभी अम्बेडकर स्क्वायर में ओपन कर रहे हैं, अभी उसकी गाड़ी बनना चालू है तो ये कुछ 1-1.5 महीने में उसका सेटअप हो जाएगा। अभी कैसा अपने पास वेराइटी भी थोड़ा कम है तो और कुछ वेराइटी लाने वाले हैं, जैसा तवे वाले पूरे आइटम है, राज कचौरी वगैरह ऐसा कुछ। तो भी अभी राज कचौरी चालू हो जानी चाहिए थी लेकिन कैसा मैं अकेला पड़ता हूँ ना, उसके बंदे भी टिकते नहीं है, गर्दी इतनी रहती है कि उसके कारण लड़के चले जाते हैं। अच्छा। अभी अपन पेमेंट भी उतना नहीं दे पाते हैं लड़कों को तो उसके वजह से कहीं ना कहीं मतलब यूजुअली पानीपुरी की हाइजीन को लेकर बहुत बार लोगों बोलते हैं, तो आप पानीपुरी का हाइजीन मेंटेन रहे टेस्ट के साथ तो क्या उसके लिए करते हैं, क्या नहीं टेस्ट हाइजीन का यह है कि अभी जब से कोरोना चालू हुआ है तो कैसा है एक डर भी है, अपने को भी नहीं होना चाहिए और अपने वजह से दूसरे को भी नहीं होना चाहिए, तो उसी के वजह से अपन पूरा हाइजीन मेंटेन रखते हैं। अपनी गाड़ी रोज सुबह साफ होती है, इसके साफ करने के लिए सैनिटाइजर प्रॉपर हर संडे को वगैरह सब क्लीन काम है अपना। और मैं भी ये मास्क मैं अभी निकाला आपके सामने, इसके बाद तो सीधा 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे ही निकलता है मेरा। मैं यूजुअली पहले कैप पहनता था लेकिन कैसा है वो कुछ वॉशेबल नहीं था कुछ नहीं था तो फिर अपने मास्क वाला ही सिस्टम कर लिए। हाँ उसके वजह से तो कहीं ना कहीं पानीपुरी की वैसे तो आपका स्टॉल है बट इसकी स्पेशलिटी जो है वो क्या है, मतलब लोग सबसे ज्यादा यहाँ पे आपके अट्रैक्ट कौन सी चीज से होते हैं वो जानना है। अट्रैक्ट इसकी वजह से होते हैं जो मैम पहली बात तो ये इतने एरिया में जो ये सेटअप है इतना बड़ा सेटअप पानीपुरी के लिए कोई करता नहीं है। मेन बात तो ऐसे सेटअप के लिए कुछ चाइनीज हो गया साउथ इंडियन हो गया ये लोग करते हैं लेकिन मेरा कैसा है मैंने बोला कि ये सब तो अभी नॉर्मली हो गया और पानीपुरी का जो है तो खास करके लड़कियों को सबसे ज़्यादा पसंद है तो उसी के वजह से बोला कि कैसा है अपने मैंने तो ऐसे तो मैं ऑलराउंडर हूँ मेरे को सभी बनाना आता है। मेरा साउथ इंडियन का भी बीड़ी पेट में लगता था लेकिन थोड़ा सा मैन पावर कम है उसकी वजह से मेरा बंद हो गया। तो ये सेटअप मैंने इसीलिए किया कि कैसा है एक तो अट्रैक्ट जल्दी होना चाहिए लोग, मैंने कम समय में इतने लोगों को अट्रैक्ट किया है कि यहाँ पे खड़े रहने को भी जगह नहीं रहती है। कहीं ना कहीं अगर हम डिशेस की बात करें तो क्या मतलब सबसे ज्यादा लोग खाना पसंद करते हैं, पानीपुरी चाट कटोरी चाट क्या सबसे ज्यादा जो है यहाँ पे लोगों को अच्छा लगता है?
अभी तो फिलहाल में आप देख ही रहे थे, पानी पूरी भी सबसे ज़्यादा खाते हैं और कटोरी चाट भी सबसे ज़्यादा खाते हैं। मेन बात जो है अपना जो ये दही है, ये दही जो है ना अपने घर में बनता है, और ख़ास करके जो दही है ना लोग डब्बे में रखते हैं, अपन हंडी में रखते हैं, उसी में बनाते हैं, इसी में करते हैं। और मेरे पास जो भी दही वाला आइटम है वो सबसे ज़्यादा सेलिंग है। पानी पूरी खाने के बाद जो पब्लिक खाती है तो वो कटोरी चाट है। दही पूरी और कटोरी चाट ये अपने दोनों सबसे ज़्यादा फेमस है। हाँ तो मतलब यूजुअली आपको कैसा ग्राहकों का रिस्पांस जो है वो मिल रहा है? मतलब अच्छा खासा ही है कि जिस तरीके से देखा हमने काफ़ी भीड़ थी, तो ग्राहकों का भी क्या आपको अच्छा खासा रिस्पांस है? हाँ मैम, मेरे पास ग्राहकों की कोई कमी नहीं है। पहली बात तो मेरे पास कपल से लेके, फैमिली से लेके, बच्चे से लेके हर चीज़ आता है। और मेन बात जो है ना, मेरे पास सबसे ज़्यादा जो आते हैं वो फैमिली है। पूरे मतलब मेरे पास कैसा हाइजीन है ना, तो करके सबसे ज़्यादा लोग आते हैं मेरे पास, ऐसा है। तो कहीं ना कहीं हमने जाना कि किस तरीके से यहाँ पे लोग आते हैं, क्या उनको चीज़ें अच्छी लगती है और क्या उनके हिसाब से उनकी स्पेशलिटी है। कहीं ना कहीं जो चीज़ लोगों को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है वो पानी पूरी के बाद जो है कटोरी चाट है। भी हमने इनसे जाना कि उनका स्ट्रगल किस तरीके से था, किस तरीके से उनके पापा की डेथ के बाद उन्होंने इन सारी चीज़ों को खड़ा किया है। कई बार उनको जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन एंड में वो भी इसकी और शाखाएं जो है वो खोलने वाले हैं। भाई सब किसको पसंद है? मतलब हर उम्र के इंसान को पानी पूरी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। तो व्हीकल फूड के हम लोग यहाँ पे आए हैं और जानते हैं इनके कस्टमर्स जो पिछले कई टाइम से यहाँ पे इससे जुड़े हुए हैं, तो उनसे जानते हैं कि उनका एक्सपीरियंस यहाँ पे कैसा रहता है और यहाँ पे उनको कैसा टेस्ट वगैरह मिलता है। मैम हम आपसे जानना चाहते हैं कि किस तरीके से, जैसे आप व्हीकल फूड से जुड़ी हुई है, कितने टाइम से आप व्हीकल फूड से जुड़ी है और कब से यहाँ से पानी पूरी खाना पसंद करती है? यहाँ से ना, हाँ। काफी दिन से मैं आती हूँ भैया के पास यहाँ पे पानी पूरी खाने के लिए, तो काफी टेस्टी है, बहुत टेस्टी, इसलिए मैं यही पे आती हूँ। नहीं तो यहाँ वहाँ काफी रहते काउंटर, बट मैं यही पे खाती हूँ। काफी टेस्टी रहती है और गर्म पानी पूरी है और पानी वगैरह का टेस्ट बहुत अच्छा रहता है। और कहीं ना कहीं यूजुअली हाइजीन को लेके भी हम लोग देखते हैं, और जब हम बात करते हैं यार पानी पूरी के हाइजीन की, तो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हमारे सामने से खड़े हो जाते हैं। तो अगर इनके हाइजीन की बात अगर आपको करनी, तो आप क्या बताएंगे? हैंड ग्लव्स पहनते हैं भैया, और मास्क वो पूरा स्कार्फ लगा हुआ रहता है, तो इसीलिए ये एक और वजह कि मैं यही पर पानी पूरी खाती हूँ। वन स्पेशलिटी अबाउट दिस जो आप हमको बताना चाहती है? पानी पूरी काफी टेस्टी और तीखी रहती है, बहुत अच्छी। बाकी जगह अगर नॉर्मली कई लोग ना कहीं पर भी खा लेते, मैंने ये देखा है, लेकिन जहाँ स्पेशली यहाँ सचमुच बहुत अच्छी पानी पूरी, गर्म पानी पूरी मिलती है, पानी भी बहुत टेस्टी रहता है, बहुत अच्छे से बनाकर भी देते हैं, और अगर कुछ एडिशनल डालना हो ना तीखा नमक तो वो भी डालते, कोई प्रॉब्लम नहीं, बना के स्पेशली देते भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पे 2 महीने से आ रहा हूँ, गोलगप्पे तो बहुत पसंद है, लेकिन इनकी स्पेशलिटी जो कचौरी चाट है वो काफ़ी फेमस है और बहुत बढ़िया है। अलग अलग वेराइटी है वैसे पानी पूरी गुपचुप, तो जो कचौरी जो है इनकी वाली वो बहुत फेमस है, उसके साथ में जो मीठा जो दही रहता और कुरकुरे वाला जो आइटम है वो भी बहुत बढ़िया है। और हर कोई टेस्ट करेगा तो एक बार खाएंगे तो हफ्ते में कम से कम 3-4 बार तो और आएगा, एक दिन के आगे पीछे हो गया छूटा फिर भी तो भी ठीक है, तो डेली तो खाने की इच्छा होती है ये। मतलब कहीं ना कहीं टेस्ट बहुत अच्छा है यहाँ पे, और सबसे अच्छी चीज जो टेस्ट के साथ है वो इसका हाइजीन भी है। मतलब टेस्ट के साथ साथ आपको यहाँ पे हाइजीन का भी जो है वो मेंटेनेंस प्रॉपर रहेगा, और यही कस्टमर्स के रिव्यू है जो इसको सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव प्लेस बनाती है कस्टमर्स के लिए। अब तक हमने तो व्हीकल फूड के पानी पूरी और कटोरी चाट की तारीफ ही सुनी, अब मैं आपको खा के दिखाती हूँ और बताती हूँ कि कैसा मुझे इसका टेस्ट लगा। तरीके से लोग जो
ग्राहक उसकी तारीफ कर रहे हैं, वो इस हिसाब का बना है। हाइजीन मेंटेन प्लस टेस्ट मेंटेन, सुपर्ब कॉम्बिनेशन। द व्हीकल फूड के स्टॉल पे आज हम आए थे और हमें पता चला कि किस तरीके से यहाँ पे जो रिस्पांस है लोगों का वो मिल रहा है। कहीं ना कहीं हाइजीन यहाँ पे मेंटेन हो रहा है, टेस्ट भी यहाँ पे मेंटेन हो रहा है और साथ ही में जो स्टोरी थी इन भैया की वो भी काफ़ी इंस्पिरेशनल थी। हमने जाना कि किस तरीके से उन्होंने अपनी कठिनाइयों को मात कर अच्छे से एक व्हीकल फूड की शुरुआत की और इसकी बहुत सारी शाखाएँ भी वो शुरू करने का सोच रहे हैं। तो आज हमारे इस एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी जो स्ट्रीट फूड के अगले एपिसोड में। वेल, मेरे कैमरा के पीछे जो इंसान है वो है अखिलेश भारद्वाज और मैं हूँ आपकी अपनी दिशा।